पैसे करा ना करनी कर इंस्टॉलमेंट करा के ये परिवादी है भगाराम, ये इसने हमारे ऑफिस में आगे 11 तारीख को सायकाल संपर्क किया के साथ मेरे को चले किराए के लेने थी। वहाँ से पुलिस वाले गए और करीब 35 से पगे दारू के थे देसी वाले के उठा के आ गए और मेरे भाई को साथ ले गए थाने में आ गए। होटल का जो मालिक जिसे किराए पर ले रखा वो इस्माइल बैठा हुआ था, वो गमदान ने कहा कि इस्माइल को 20,000 रुपये दे देना आज, तो अभी तो मैं छोड़ रहा हूँ और सोमवार को तेरे को कैश कर देंगे, नहीं तो 3 दिन तक जेल में सड़ेगा और दोबारा जो भी बात करनी इस फाइल से ही करना है। और उसके कोई आधार कार्ड लेके कोई साइन सुन करवा के उसको छोड़ दिया और कि तेरे भाई को भेज देना, तो इसका बड़ा भाई यही है तो उसमें परिवार दी है कि आया प्रार्थना पत्र पर सत्यापन कराए, तो सत्यापन पे इस्माइल ने कहा कि तू आ जा नौले की चक्की पर आ जा। ये वहाँ पहुँचा तो हेड साहब भी आ रहे हैं, फिर इनके आपस में बात हुई तो हेड साहब ने कहा कि मेरी तो बंदी वंदी तो मेरे को लड़ी नहीं, कभी कभार मेरे आदमी आए तो बोतल वोतल दे देना और इस्माइल जो कहे वो कर देना। तो इसने कहा साहब आप ही बताओ, कि नहीं मैं कुछ नहीं बोलूँगा, खर्चा पानी है वो चालान कर जो जांच अधिकारी होगा जो तफ्तीश करेगा उसको देना पड़ेगा, तो इसको दे देना। उसके बाद ये इस्माइल ने इसको फ़ोन किया कि सोमवार को पेश करना, तो 20,000 रुपये मांग रहे हुकमदार जी। इससे पहले इसके भाई को थाने में छोड़ा उसी टाइम उन्होंने कह दिया हुकमदार जी ने इस्माइल को 20,000 रुपये दे देना, अब दोबारा मैं तेरे से और तेरे भाई से बात नहीं करना। उसके बाद ये कल दिन में इसको फ़ोन किया इस्माइल ने कि भाई वो 20,000 रुपये मांग रहे हो तो ये शाम को हमारे पास आया, फिर दोबारा बात कराई इसने इस्माइल से कहा भाई जी इसकी व्यवस्था हुई नहीं, वकील को भी देने 10,000 रुपये की व्यवस्था हुई है तो कह देना हुकमदार जी को, जैसे तैसे पार पट को मेरे पास पैसा नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, तो सुबह जल्दी आ जाना। सुबह इसकी होटल के इस्माइल पहले से मौके पर था, इसको बुलाया और वहाँ इसने इसको 10,000 रुपये दिए और कि चलो खाने चलते हैं। इसी दौरान इसने इशारा किया तो हमने उसको रंगे हाथ पीटता चाहिए, फिर इससे बात करवाई, बात करवाई तो दुकानदार ने कहा कि मैं बार बार आपको फ़ोन कर रहा हूँ फटाफट थाने आ जाओ, तो काट दिया। इस पर फिर हमारी टीम में से दो लोगों को पहले से मामूल किया होता जिन्होंने दुकानदार को भी थाने से दस्तियाब करके ले आए यहाँ पे और आगे की कार्रवाई चल रही है। सर दुकानदार ने उसको पेश करने जमा जल्दी करवाने की योजना मांगा था या फिर इसने कब सोमवार को पेश कर देंगे, अभी मौके से इसको छोड़ दिया जबकि कायदे से गिरफ्तार करना था और इसको कहा कि 3 दिन बाद आ जाना आप, इसी उसमें इस दलाल के मार्फत पैसे ले रहे थे, जबकि हुकमदार जी जो जब्त करता सीजर का जो बनाता है वो उसका जांच अधिकारी नहीं होता, जांच अधिकारी इसमें कोई दूसरे मेवाराम जी है जिनसे हमने पत्रावली मंगाई है, तो उनका इसमें कोई लेना देना नहीं है, केवल यही कर रहा था पूरा इसका, जबकि कोई लेना देना भी नहीं था, तब तीसरी इसके पास नहीं थी, इसके बावजूद ये इनको जरा तुम का पैसे